नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर की खबर के साथ। पुलिस पार्टी के साथ मारपीट हुई है। दरअसल शराब पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है। पुलिस ने एक युवक को मौके से पकड़ लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया, हंगामा किया, पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और कार्रवाई में जुटा हुआ है। शराब पकड़ने गई टीम के साथ मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीरें, मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल मामला शांत कराने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर मामला क्या है, पूरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, उपनगर ग्वालियर में देर रात शराब पकड़ने के लिए पुलिस पार्टी की टीमें यहां पहुंची थी और इसी दौरान यहां पर जब कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो उस दौरान वहाँ पुलिस के साथ भी बदतमीजी की गई और इस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस ने भी जो है इन लोगों के खिलाफ जो है हाथापाई की कार्रवाई की अंजाम दिया और यही इस तरह का घटनाक्रम हुआ। तो देर रात फिर इनके जो समर्थक लोग थे, जिसमें भाजपा नेता भी थे, स्थानीय स्तर के नेता, वो भी थाने पर पहुंच गए थे और हंगामा देर रात तक इस मामले में चलता रहा था। और उसके बाद पुलिस ने जो है गोसपुरा इलाके की ये घटना थी चूंकि, और जब इसमें शराब पीने की बात आई तो फिर पुलिस ने दोनों पक्षों का मेडिकल कराया था, जिसमें लोगों का आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने भी उनके साथ मारपीट की है। तो देर रात जो है जो पुलिसकर्मी गए थे उनमें से कुछ लोगों के साथ ही जो दूसरे पक्ष के लोग थे जिनको पुलिस पकड़कर लाई थी उनके भी मेडिकल कराए गए हैं और उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। लेकिन देखने में यही आया कि ग्वालियर पुलिस जो है शराबखोरी के खिलाफ सख्त है और कल रात शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार इस तरह की कार्रवाई की गई है। झांसी रोड में भी जैसा कि हमने बताया था कि 20 से ज्यादा लोगों को होटल के अंदर शराब पीते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा रोड पर भी जो लोग शराब पार्टी कर रहे थे उनको भी, तो इस तरह से 40-50 से ज्यादा लोगों को रात में गिरफ्तार किया गया। और उसी दौरान ग्वालियर उपनगर इलाके में जब ये कार्रवाई चल रही थी तो इस तरह की घटनाक्रम सामने आया और हालांकि अभी मामला पूरी तरह से शांत है, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है इस मामले में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और एमपी को लग सकता है बिजली का झटका। जी हां, नए साल में महंगी हो सकती है बिजली, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बिजली कंपनी का 3.86% दर बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। विद्युत नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग ने 22 जनवरी तक सुझाव आपत्तियां मांगी हैं। टैरिफ में 151 से 300 यूनिट का स्लैब खत्म होगा। 151 से 300 यूनिट तक खपत पर 5.23 रुपए प्रति यूनिट, 300 यूनिट के बाद 6.61 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ता है। नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी वो देंगे। शैलेंद्र, नए साल में क्या बिजली का झटका लग सकता है, आखिर किस तरह के बदलाव, किस तरह का प्रस्ताव ये रखा गया है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल, नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं का जोर का झटका लग सकता है। जिस तरीके से विद्युत नियामक आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया उसके तहत 3.86% की दरें जो है वो मध्य प्रदेश में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि ये 22 जनवरी तक दावे और आपत्तियां जो है आमंत्रित किए गए हैं, उसके बाद एक सप्ताह तक इन दावे आपत्तियों पर चर्चा होगी और उसके बाद ये फाइनल होगा कि कितने प्रतिशत जो है वो प्रति दर जो है वो बढ़ाई जानी है। इसके साथ ही देखिए, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अभी ये माना जाए था कि 0 से लेकर 100 यूनिट तक का टैरिफ अलग था और 100 से लेकर 150 तक का अलग था। इसके अलावा 130 से लेकर 300 तक का स्लैब जो था उसमें का रेट अलग थे, लेकिन और इसके अलावा 300 के ऊपर जो है फिर एक फ्लैट स्लैब दिया था उसमें समान दर लागू होती थी। लेकिन अब जिस तरीके से विद्युत नियामक आयोग ने साफ किया है कि पहली बात तो 3.86% की वृद्धि जो है वो प्रति यूनिट की जानी है और इसके अलावा जो 300 का स्लैब था उसे घटाकर अब 150 कर दिया गया, यानी 150 से ऊपर यदि आप यूनिट बिजली खपत
बात करते हैं तो आपको एक तय राशि जो है वो आपको देनी होगी। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका ये कहा जा सकता है। 3.86% एक तरफ जहां आपको महंगी बिजली लेनी पड़ेगी और उसके अलावा जो लोग ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उनके लिए भी ये बुरी खबर है, क्योंकि देखिए अगर वो आप ज्यादा बिजली की खपत करते हैं 150 से ऊपर यदि आपकी रीडिंग आती है तो भी आपका भारी भरकम बिल आएगा। तो अभी फिलहाल ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव के बाद इस पर दावे आपत्तियां होंगी और दावे आपत्तियों के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर कितना स्लैब जो है बढ़ाने का काम जो है विद्युत नियामक आयोग इस बार करने जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खंडवा अग्निकांड की, जिसमें बड़ा अपडेट मिल रहा है। अग्निकांड में महिला समेत दो की मौत हो चुकी है, आरोपी की पत्नी और बेटे की मौत की खबर है। इंदौर में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। ये भी बता दें हादसे में 7 लोग घायल हुए थे। आरोपी राजेश उर्फ राजा जेल में बंद है। अवैध गैस सिलेंडर गोदाम में भीषण आग लगी थी 27 दिसंबर का। खंडवा के घासपुरा का यह पूरा मामला है जहां पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था, ये गोदाम था जहां पर गैस सिलेंडर थे और एक के बाद एक भयानक विस्फोट हुए जिसमें कुछ लोगों के झुलसने की खबर मिली और उसमें से 2 की अब मौत हो चुकी है। मुख्य आरोपी जेल में है, पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी वो इस मामले में देंगे। अमित, अग्निकांड बहुत बड़ा हुआ, लगातार हमने देखा कि एक मौत हुई, अब दूसरी मौत हो रही है, आखिर अभी कितने घायल और बच्चे हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, इस पूरे मामले में आखिर किस तरह से जांच हो रही है और एक्शन हो रहा है? इस दिसंबर का ये मामला है और घासपुरा क्षेत्र है, वहाँ आरोपी राजेश उर्फ राजा का मकान है और उसने अवैध रूप से यहाँ गोडाउन बना रखा था जहाँ सिलेंडर रखे हुए थे। आग लगी तो एक के बाद एक 30 से ज्यादा ब्लास्ट हुए, 7 लोग घायल हुए थे। सबसे ज्यादा जो घायल थे माधुरी और दीपक, जो आरोपी राजेश उर्फ राजा के पत्नी और बेटे हैं, इन दोनों की जो इंदौर में उपचार चल रहा था और वहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इसके अलावा अन्य जो 5 घायल हैं उनका भी उपचार खंडवा के अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें उसका एक और बेटा रोशन भी शामिल है। दर्शकों को बता दें कि इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। इस मामले में फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड किए जा चुके हैं, जबकि जो जिले के खाद्य अधिकारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अब तक 4 FIR दर्ज हो चुकी है और अब पुलिस इस मामले में गैर इरादतन हत्या के जो आरोप में एक और FIR जो है आरोपी राजेश उर्फ राजा पर कर सकती है। दर्शकों को ये बता दें कि जहां ब्लास्ट हुए थे वहां अब भी जो है कहीं ना कहीं जो आग है वो अभी भी है, नीचे से धुआं निकल रहा है। कुछ देर पहले ही वहां पर एक और फायर ब्रिगेड भेजी गई थी, लोगों ने कहा था कि धुआं निकल रहा है, सिलेंडर वहां मलबे में अब भी दबे हुए हैं। जो आरोपी है उसने अपने जो घर को पूरा कारखाना बना रखा था, तहखाना अंदर बना रखा था, वहां पर इस तरह का वो अवैध काम करता था और इस काम की जद में उसका ही परिवार आया है, उसके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई है। ऋतु जी, आप लगातार बने रहिए, मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है कि जहां पर अवैध रूप से इस तरह से संचालन हो रहा हो, गैस के सिलेंडर रखे गए हों, कई ऐसे हादसे सामने आते हैं पर शायद समय पर सबक नहीं लिया जाता, इसके बाद इसी वजह से बार बार ऐसे हादसे सामने आते हैं और कई सारी जानें चली जाती हैं। देखिए ऋतु, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिलेगी आपको, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है, यानी सब कुछ पहले से पता होता है। खंडवा का जो आरोपी है, ये जो मुख्य आरोपी है जिसे घर पर अवैध गैस गोडाउन बना रखा था, ये लगातार 80 से ज्यादा अब तक गैस सिलेंडर मिल चुके हैं, धुआं निकल रहा है, एक के बाद एक कई ब्लास्ट होते हैं और उसके परिवार के 2 लोग की मौत हो गई थी। तो क्या इतना बड़ा वो अवैध कारोबार चला रहा था, क्या वहां के अधिकारियों को नहीं पता था, क्या उन्हें ये जानकारी नहीं थी? जानकारी सबको थी। कार्रवाई नहीं की जाती है और कार्रवाई तब की जाती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। कुछ दिन पहले की बात करते हैं, जब खंडवा में ये भीषण अग्निकांड हुआ,
ये गैस ग्राउंड में जब आग लगती है उसके पहले इंदौर के छिपरा में भी इसी प्रकार की घटना सामने आती है। हालांकि वो हादसा बहुत बड़ा हो जाता लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंच गई, आसपास के लोगों ने पानी डालकर तत्काल उस आग को बुझा लिया और जो भी लोग परिवार फंसे थे उन्हें तत्काल घर से बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि उस दिन भी इंदौर के छिपरा में 3 ब्लास्ट एक ही मकान में हुए थे और उस दिन भी पता चला था कि वो उस घर में उस मकान में गैस रिफिलिंग का काम होता, अवैध गैस का कारोबार होता है, गोरख धंधा उसी घर से संचालित था, तो बड़ा हादसा होते होते टल गया था। दूसरी तस्वीर ही खंडवा से सामने आ गई और सिर्फ ये खंडवा और इंदौर की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की सही और इतनी बड़ी संख्या में जब गैस की टंकियां वहां पर मौजूद हैं और लंबे वक्त से संचालन चल रहा है तो बिना संरक्षण के नहीं चल सकता, बिना सहायता के नहीं चल सकता, ये भी बड़ी बात है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस पर किस तरह से रोक लगती है या ताबड़तोड़ कार्रवाइयां आने वाले समय में भी जारी रहती है और इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दोनों का। टीकमगढ़ की हम बात करते हैं जहां पर किसान की मौत हो गई है, करंट के चपेट में आने से मौत हुई। कटीले तारों में बिजली का करंट था, पड़ोसी किसान ने यह करंट लगाया हुआ था, सिंचाई का काम कर रहा था किसान और करंट की चपेट में आ गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ा गांव के अजनोर गांव की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां पर किसान की मौत हो गई, करंट लगने से ये मौत होना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आए दिन ये तस्वीरें आती हैं जब खेतों में करंट की तारें बिछा दी जाती हैं और एक और तस्वीर किसान की मौत, ज्यादा जानकारी। देखिए, इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं और यह मामला अजनौर का एक बार फिर सामने आया है क्योंकि जो किसान है वो रात में खेतों में जो बाढ़ होती है उसमें करंट डाल देते हैं ताकि जानवर खेतों में ना घुसें और इस तरह से जो तमाम घटनाएं सामने आती हैं क्योंकि जानवर की तो मौत होती ही है और साथ में कई बार पड़ोसी किसान भी रात में इस तरीके के दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और करंट लगने से मौत हो जाती है। जो अजनौर गांव में एक किसान की मौत हो गई, इसके बाद जो पुलिस है उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और किस वजह से इसने जो पड़ोसी किसान है उसने खेत में करंट डाला था, उसका उद्देश्य क्या था, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के जैसे ही तत्व सामने आएंगे उसके खिलाफ उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी गंभीरता से जांच कर रही है और जो किसान की मौत हुई है उसमें जो लापरवाही पड़ोसी किसान की बताई जा रही है क्योंकि पड़ोसी किसान ने खेत में करंट डाल रखा था जिसकी वजह से जो किसान है उसकी मौत हो गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। रतलाम में बदमाशों का जुलूस निकाला गया, बदमाशों को पैदल कोर्ट ले गई पुलिस, दुकान में तोड़फोड़ के आरोपी, दो बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने इन बदमाशों का जुलूस निकाला है, पैदल जुलूस निकाला गया। बदमाशों का आतंक आए दिन जारी रहता है, कहीं ना कहीं डर फैलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है और आसपास के लोग डर के साए में जीते भी हैं इन लोगों की वजह से, डरा धमकाते हैं ये लोग। और अब लोगों के अंदर से भय खत्म करने के लिए इन आरोपियों का, इन बदमाशों का जुलूस भरे बाजार में निकाला गया लोगों के अंदर से डर खत्म करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, बड़ी अच्छी पहल है कि बदमाशों का इस तरह से जुलूस जो है भरे बाजार में निकाला गया, कहीं ना कहीं ये संदेश कि बदमाशों से डरना नहीं है और ये डर लोगों में से निकलेगा भी। कि बेकाबू बदमाश है और इन्हीं बेकाबू बदमाशों पर नकेल कसने की यह पूरी कवायद है। रतलाम के ही दोनों ही बदमाश है, औद्योगिक डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जिसमें भोला और विकास ये दो बदमाश है जिनका पुलिस ने जुलूस निकाला है, पैदल इन्हें जो है कोर्ट तक पुलिस ले गई है। कुछ दिन पहले ही इन दोनों बदमाशों ने जो गौशाला रोड है वहां पर एक नमकीन की दुकान में रात में पहुंचकर हफ्ता वसूली के लिए पैसे मांगे थे और पैसे नहीं देने पर इन बदमाशों ने दुकान में जमकर उत्पात मचाया था, तोड़फोड़ की थी और दुकानदार के साथ उनके जो परिवार के लोग थे उनके साथ भी इन बदमाशों ने मारपीट की थी। तो कुल मिला के बड़ा मामला था और यह कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी रतलाम में लगातार बैक टू बैक अवैध वसूली के, हफ्ता वसूली के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। और ऐसे ही एक हफ्ता वसूली के मामले में जब मारपीट हुई थी तो एक शख्स की मौत हो गई थी चांदनी चौक क्षेत्र में, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था और करीब 5 से 7 दिन तक के ये हंगामा चलता रहा था। तो लगातार जो है ऐसे ही बदमाशों के ऊपर नकेल कसने की यह पूरी कवायद है। कहीं ना कहीं बदमाश जो है जब जुलूस निकाला जाता है तो लोक लाज के डर से
ऐसी वारदातों को भविष्य में अंजाम ना दे, उद्देश्य पुलिस का ये होता है। और दूसरे जो बदमाश है इससे कहीं ना कहीं सबक ले। तो कुल मिला के अब देखना यह है। हालांकि इस घटना के बाद ही औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक और जो है रंगदारी का मामला दर्ज हो गया। तो बदमाश है कि मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस की इस कवायद का कितना असर होगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंगरौली की बात करते हैं जहां पर मंत्री की जुबान फिसली है। मंत्री राधा सिंह की जुबान फिसल गई, बीच में ही भाषण भूली मंत्री राधा सिंह। मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूरजपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सड़क हादसे में कांग्रेस पार्षद की मौत की खबर है। नगर पंचायत वशरामपुर से पार्षद गंगाराम रवि थे, अनियंत्रित होकर कार पेड़ से जा टकराई। पत्नी बच्चे समेत परिवार के 3 सदस्य घायल हैं। घायलों का अंबिकापुर में इलाज चल रहा है। जशपुर के बगीचा के पास ये हादसा होना बताया गया। घना कोहरा ये वजह बताया जा रहा है। तो कोहरे की वजह से ऐसे हादसे कई सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक और बड़ा हादसा सामने आया है, घने कोहरे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए वरुण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ज्यादा जानकारी मामले में, सड़क हादसे में पार्षद की मौत। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीते 12 घंटों से जो सरगुजा संभाग के ही मौसम की बात करें तो जिस तरह से घना कोहरा और सर्दी का आलम है, यही एक प्रमुख कारण रहा कि विश्रामपुर नगर पंचायत के जो वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद हैं गंगाराम रवि, अपने परिवार पत्नी बच्चे समेत 3 परिवार के सदस्यों के साथ वो जसपुर की ओर जा रहे थे। इस दौरान बगीचा, जो जसपुर के बगीचा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ घने कोहरे की वजह से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और जिसमें पार्षद जो खुद वाहन को चला रहे थे उनकी मौत हो गई मौके पर ही। और जो 3 लोग थे, पत्नी बच्चे समेत 3 परिवार के सदस्य थे, वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों के द्वारा अंबिकापुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। ऐसे में पार्षद की मौत के बाद पूरे विश्रामपुर क्षेत्र में शोक का माहौल है। ठीक, बहुत शुक्रिया वरुण। माँ में वैष्णो देवी में साल 2023 में पिछले 10 साल का दर्शन का रिकॉर्ड टूट गया है और इस साल अब तक 97 लाख लोगों ने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। जनवरी तक ये आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इससे पहले साल 2013 में 93 लाख भक्तों ने दर्शन किए थे। तो वहीं नए साल पर माँ वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्ग के विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नए साल में पहुंचने वाली भीड़ के मद्देनजर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो 2023 में टूटा है 10 साल का रिकॉर्ड। माता रानी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं और अब इस बार भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। इस बार बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, इतनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस बार भी जो है सिलसिला लगातार जारी रहा। और आइए कुछ खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। खंडवा अग्निकांड में महिला